The question is, the triangular side walls of flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 per meter square per year. A company had both walls for 3 months. How much rent did it pay? अब हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक फ्लाई ओवर है, उसके जो साइड वॉल्स हैं वे ट्रायंगल के शेप की हैं। सपोज जैसे ये फ्लाई ओवर है तो ये जो साइड वॉल्स हैं वो इसकी वो एक ट्रायंगल की शेप में है। तो ये ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट ये अर्निंग ऑफ रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का जो अर्निंग है एडवर्टाइजमेंट से वो 5,000 रुपीज है। अ कंपनी हैड बोथ ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, तो इसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं हीरोंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो हमारे पास क्या हो गई, ए 122 मीटर, बी 22 मीटर एंड सी 120 मीटर, राइट। तो पहले हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 122, 22 एंड 120 डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करके आया 264, दैट इज 132 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एस हमारे पास आया 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120, तो दैट विल बी इक्वल टू 132। 132 माइनस 122 हमारे पास आ जाएगा 10, 132 ये आ जाएगा हमारे पास 110 और ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पर इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 132 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 12, ये 10 एज इट इज रहने दीजिए, 110 को हम 10 इंटू 11 लिख सकते हैं और 12। अगर आप चाहो तो उसकी प्राइम फैक्टरेशन 2, 3 जो भी फैक्टर्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर जो फैक्टर्स हमें इजीली मिल रहे थे मैंने वही कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पेयर्स बनते हैं हमारे पास। तो 11, 12 एंड 10, दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक साइड वॉल का एरिया है। अब जो वॉल्स इसने दी हैं वो टू दोनों के दोनों वॉल्स दी हैं फॉर 3 months, बोथ वॉल्स हैं। तो यहाँ पे टू वॉल्स का हमें एरिया फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ बोथ वॉल्स 2 इंटू 1320, दैट इज 2640 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेंट के बारे में बताना है। अब ईयरली रेंट जो है पर मीटर स्क्वायर वो है 5,000, राइट। और इसके लिए है हमारे पास 3 months के लिए, तो 3 months के लिए निकालना होगा। तो पहले देखो, नाउ ईयरली रेंट जो है वो है रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मंथली रेंट आ जाएगा, 1 month का जो रेंट आ जाएगा वो होगा 5,000 डिवाइडेड बाय 12 पर मीटर स्क्वायर। सो रेंट पेड फॉर 3 months, ये 1 month का रेंट है वो भी पर मीटर स्क्वायर। तो 3 months के लिए पहले तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और ये 1 meter स्क्वायर का था लेकिन हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, 2640, तो 2640 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, राइट। कैंसिल आउट कर लेंगे इसे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 लैक्स हमारे पास आ गया इसका आंसर। और ये है हमारे पास बोथ वॉल्स का फॉर 3 months के लिए। तो इस टाइप से हमको हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।